वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले साल के एसएससी सीरियल टायर वन में आए हुए क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम रीजनिंग के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले साल 29 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ये हमारी सेकेंड पार्ट होगी। इसके पहले के पार्ट में हमने आपको 14 क्वेश्चंस बताए थे। तो अगर आपको पिछले क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड कर दी गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार को किस गणितीय चिन्हों के संयोजन से परिवर्तित किया जाए। ये हमारा क्वेश्चन करे कि नीचे एक समीकरण दे रखा है 48*4*6*3*30। तो हमसे बोल रहे इस समीकरण को जो है हम चाहते कि संतुलित कर दे, इसके लिए हमें स्टार की जगह पर क्या क्या हम पुट करें ऑप्शन से कि ये हमारा जो है समीकरण सही हो जाए। तो हम फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में हमारा दे रखा है माइनस प्लस इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई। तो हम सारे जगह पे जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे रख के देखते हैं क्या ये हमारा आंसर आ जाता है। तो हमने फर्स्ट में चेक किया तो माइनस, सबसे फर्स्ट में माइनस रखने बोला, तो 48 माइनस 4 प्लस 6 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 30। क्या ऐसा हो सकता है? तो 48 माइनस 4 यानी कि 44 प्लस 6 इक्वल टू 90 कभी हो सकता है? नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट चेक करेंगे डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई प्लस, तो 48 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड रखा तो 48 डिवाइडेड बाई 4 हो गया 12। फिर करा इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 प्लस 30, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं। 18 प्लस 30 48 हो जाता है, ये भी पॉसिबल है नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी में, करा डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, 48 डिवाइडेड बाई 4 हो गया 12, 48 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 30। तो हम चेक करते हैं 48 डिवाइडेड बाई 4 हो गया 12 प्लस 18 इक्वल टू 30। हाँ ये होता है, यानी कि हम कौन से ऐसे ऑप्शन के साइन को चेंज करें कि ये हमारा आंसर आ जाए। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं, अगर हम पहले डिवाइड फिर प्लस फिर मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू को रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी को चेक कर सकते हो, उससे भी आपके आंसर्स नहीं आएंगे, हमारा आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये आपका मिसिंग नंबर का टॉपिक है। आप चाहे तो हमारे मिसिंग नंबर के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, आप हमारे वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, 3 सर्कल्स दे रखे हैं, एक में 29 एंड 121, दूसरे में 24 11 एंड 169, तीसरे में 32 17 एंड व्हाट। तो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट में क्या होगा। तो अगर मिसिंग नंबर के इस तरह से आपके 3 फिगर्स के क्वेश्चन आए तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में करने क्या होता है, फर्स्ट फिगर में जो कंडीशन फॉलो होंगे वही सेकंड फिगर में फॉलो होंगे, वही थर्ड फिगर में। वो कंडीशंस कुछ भी हो सकते हैं, स्क्वायर्स के, क्यूब्स के, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्लस माइनस डिवाइड, कुछ के भी हो सकते हैं। तो हमें वो चेक करने पड़ते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट में दे रखा है 20 एंड 9 एंड 121। तो ये इन सब का रिलेशनशिप हो क्या सकता है, तो हम देख रहे हैं 121 एक में 169, इन सारे का हम देख रहे हैं स्क्वायर हो रहा है, तो ये किसका स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर। तो 20 एंड 9 को ऐसा क्या करें कि 11 आ जाए, तो दोनों को माइनस किया तो 11, यानी कि हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट के दो को माइनस करके उसका स्क्वायर करना है। सेकेंड में हम इसी कंडीशन को फॉलो करके देख लेते, अगर सेकेंड में भी यही कंडीशन फॉलो किया तो थर्ड में भी इसी कंडीशन को फॉलो किया जाएगा। तो 24 माइनस 11 कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर यानी कि 169। नेक्स्ट हम दो फिगर्स में अगर वो कंडीशन फॉलो होगा तो थर्ड फिगर में भी यही कंडीशन फॉलो होगा, तो 32 माइनस 17 कितना होता है, 32 माइनस 17 का होल स्क्वायर तो कितना हो गया, तो हम आप देख सकते हैं 15 का होल स्क्वायर यानी कि 225, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 45 डिग्री सीधे चलता है, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। ये हमारा क्वेश्चन क्या करे कि एक आदमी जो है किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है, 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, यहाँ से वो 3 किलोमीटर पूरब की ओर गया, फिर बोल रहा है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। बाएं यानी कि एंटी क्लॉक जाएगा, आप हमारे डायरेक्शन के वीडियो में देख सकते हैं, बाएं के बारे में बोले तो एंटी क्लॉक जाएगा, दाएं के बारे में बोले तो क्लॉकवाइज जाएगा। तो बाएं बोल रहा है तो एंटी क्लॉक जाएगा, तो ये हमारा हो गया 4 किलोमीटर। बोल रहा फिर बाएं मुड़कर 45 डिग्री सीधे चलता है, तो बाएं किस तरफ मुड़ेगा, तो इस तरफ मुड़ेगा 45 डिग्री
से जाएगा। तो हमसे पूछ रहा अब वो किस दिशा की ओर है, उसका मुंह तो आप देख सकते हो, उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दो, आप इसको इसके निष्कर्ष पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसके निष्कर्ष में आपके होते क्या है कि नीचे तो एक कथन दिए रहते हैं, एक या दो, और दो निष्कर्ष दिए रहते, तो हमें उसके बाद चार ऑप्शंस होते हैं। पहले ऑप्शंस आपके क्या होंगे कि निष्कर्ष एक फॉलो करेगा, दूसरे निष्कर्ष दो फॉलो करेगा, तीसरा निष्कर्ष एक या दो फॉलो करेगा, एक और दो दोनों फॉलो करेगा, चौथा दोनों में से कोई फॉलो नहीं करेगा। तो कथन और निष्कर्ष में हम देखते हैं कथन के हिसाब से कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। तो कथन हमारा कह रहा है अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो जिंदगी में सफल हो जाएगा। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। वन कह रहा है वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, तो नहीं, कथन से आपका ये कहीं भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, यानी कि निष्कर्ष एक नहीं होगा। अब निष्कर्ष दो देखते हैं, कठोर परिश्रम फल देता है, तो हाँ ये आपका कथन से साबित हो रहा है, क्योंकि आपका कथन कह रहा है कि अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो जिंदगी में सफल हो जाएगा, और हमारा कह रहा है कठोर परिश्रम फल देता है, तो हाँ यानी कि आपका निष्कर्ष दो सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए चित्र में कितने आयत है, तो आप इसमें अगर इस टाइप के फिगर रहे आपसे पूछे कितने आयत है, तो आप इसमें वर्ग को नहीं काउंट कर सकते। आप देख सकते हो अगर हम वर्ग को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं पे हो रहे, फिर 9 10, तो 10 से ज्यादा तो आपके ऑप्शंस में है भी नहीं, यानी कि वर्ग को हमें नहीं काउंट करना, सिर्फ आयत काउंट करने। तो इस चित्र में कितने आयत होंगे, तो आप काउंट करके देख सकते हो, एक हमारा ये बड़ा वाला हो गया 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, सॉरी 8 9, यानी कि इस चित्र में कितने आयत है, तो 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। नीचे हमारे 3 वर्ड्स दिए गए और नीचे 4 वेन डायग्राम्स दिए गए ऑप्शंस में, तो हमें वो डायग्राम चुनना जो इस जो अनुक्रम बोल रहा है उसको पूरा करे। तो दे रखा टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी, विद्यार्थी। तो हमारे विद्यार्थी जो है टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी दोनों होते हैं। टेनिस प्रशंसक जो है विद्यार्थी भी हो सकते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी भी विद्यार्थी हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बोले अनुक्रम को कौन पूरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए पूरा करेगा। कुछ टेनिस प्रशंसक है जो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी है जो टेनिस प्रशंसक भी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी जो है टेनिस प्रशंसक भी हो सकते हैं, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की प्रतिरूप को पूरा करेगी। ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हम देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन है यहाँ पे जो है मिसिंग है, तो हमें ये मिसिंग में चार ऑप्शंस में से ढूंढना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन फिल करे कि ये हमारे प्रश्न आकृति को पूरा करे। तो अगर आप चेक कर सकते हो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये इस तरफ से जाएगा, तो इस तरफ से तो आपका बस ऑप्शन नंबर ए में जा रहा है। आप आगे भी चेक कर सकते हो, फिर ये इस तरह से क्रॉस जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 22। दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो जिसमें प्रश्न आकृति नहीं थे। तो नीचे हमारे चार ऑप्शंस में देख सकते हैं आप किसमें प्रश्न आकृति नहीं थे, तो इसमें तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी में चेक किया तो ऑप्शन नंबर बी में आपका प्रश्न आकृति है। कैसे है तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से ये लाइनिंग गया है, फिर इस तरह से गया है, फिर यहाँ से इस तरह से लाइनिंग गया है, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और इस तरह से। ये वाला लाइन को अगर हम हटा दें तो ये हमारा इस तरह से एक फिगर बन रहा है। यहाँ पे इस तरह से जाए, इस तरह से जाए, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, यानी कि इसमें प्रश्न आकृति नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दी गई आकृति के कागज को जैसे दिखाया गया इस तरह मोड़ कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसे दिखाई देगा। ये हमारा क्वेश्चन करा है कि नीचे दो फिगर्स दिए गए, तो नीचे फिगर्स में है क्या, तो जैसे कागज को मोड़ा है, काटा है तथा खोला है, कागज को जैसे जैसे कहा है वैसे मोड़ कर काटेंगे उसके बाद खोलेंगे तो वो किस आकृति जैसे दिखाई देगा। तो हम देख रहे हैं एक कागज बोल रहा है त्रिभुजाकार है, उसे इस तरफ से मोड़ दिया, तो इस तरफ से मोड़ा, उसके बाद फिर से इस तरफ से मोड़ा, फिर इस तरफ से मोड़ के यहाँ पे काटा है, तो ये किस आकृति जैसे दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा आकृति ए जैसा दिखाई देगा, आप इसे काट के देख सकते हो ये इस तरफ से ए जैसा दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब देगी। ये हमारा क्वेश्चन करे कि अगर एक दर्पण को MN पे रख दे, ये हमारा MN है,
बोल रहा अगर यहाँ पे रख दे तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो अगर सही प्रतिबिंब की बात की जाए और मिरर ऊपर है तो इसका सही प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो यहाँ से एक स्क्वायर तो जाएगा ही, फिर इस तरफ से जाएगा, तो आप देख सकते हो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सॉरी, ये इस तरफ से नहीं जाएगा, अगर यहाँ से ये इस तरफ से फिगर जाएगा तो इसका सही प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो ये आपका इस तरफ से चला जाएगा, इस तरफ से, फिर ये इस तरफ से एंड ये इस तरफ से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसके आपके निर्देश होते हैं क्या? इसके निर्देश हमने आपको लिखा नहीं है बिकॉज वो बस टाइम की वेस्टेज है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग निर्देश है। आपके एग्जाम्स में भी निर्देश होते हैं बट आपको उससे पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम्स में लास्ट के आपको 3-4 वर्ड्स के पहले एक वर्ड दिया रहेगा निर्देश में, उसमें जो आपका वर्ड दिया रहता है, जैसे कि हम आपको क्वेश्चन नंबर 25 में बता रहे, एक वर्ड रहता है रेस्ट, हमसे बोल रहा है कि और नीचे 4 ऑप्शंस है, तो उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रेस्ट को सही तरीके से दिखला सकता है, तो हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन में 22, तो 22 को चेक किया, 2 एंड 2 में आर है। नेक्स्ट है 20 में हम चेक किए, तो 20 में हमारा ई भी है। फिर चेक किया 79, तो 799 में चेक किया तो एस भी है। नेक्स्ट चेक किया 99, तो 99 में आपका ई है, टी नहीं है, यानी कि ये आपका ऑप्शन रॉन्ग चला गया। उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे, 66, तो 66 में चेक किया तो आर है। फिर कर रहा 77 में चेक किया तो ई है। फिर कर रहा 68 में चेक किया तो एस है। फिर कर रहा 23 में चेक किया तो टी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट हम सारे ऑप्शन को चेक करके आपको बता देते हैं। नेक्स्ट है 44, तो 44 में आपका आर तो है, 77 में आपका ई भी है। फिर कह रहा है 24 में हमने चेक किया, 24 में आपका ए है, बट आपका 24 में रहना क्या चाहिए था, तो एस, यानी ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चेक किया तो 22 में तो आपका आर है ही, 77 में भी ई है। नेक्स्ट है 79 में एस भी है। फिर है 76 को चेक किया, 7 एंड 6 को, तो इसमें आपका ओ है, टी नहीं है, यानी ये भी रॉन्ग। तो आपका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।